लेकिन जिस तरह से इस एक महीने के भीतर लगभग जो चीज़ें बदल रही हैं, हर दिन नई नई चीज़ें, हमें लगता है वानखेड़े साहब ने सारा हथकंडा अपना लिया। पहले लोगों को कहने लगे कि मेरे परिवार के लोगों को इसमें घसीटा जा रहा है, मेरी मरी हुई माँ को घसीटा जा रहा है। मैंने कभी भी उनकी माता श्री उनका ना नाम लिया, ना कभी सार्वजनिक रूप से उन पर कोई उंगली उठाई। मैंने जो बर्थ सर्टिफिकेट डाला था उसमें दाऊद वानखेड़े उनके पिताजी का नाम है, इतना ही मैंने कहा था। मैंने उनकी बहन को लेके इसलिए सवाल खड़े किए थे क्योंकि बहुत सारा फ्लेचर पटेल के लेडी डाउन कहने के बाद बहुत सारी चीज़ें सामने आई। उनकी पत्नी के खिलाफ आज तक जो पहली पत्नी है उसकी तस्वीर हमने डाली। लोगों ने सवाल पूछा कि ये तस्वीर क्यों डाली है। कहीं से मुझे 2 बजे रात में वो तस्वीर भेजी गई और उसमें मैसेज आया कि जिसकी तस्वीर है उसकी इच्छा है कि ये तस्वीर आप सार्वजनिक करें, इसलिए मैंने तस्वीर डाली। लेकिन उनकी जो अभी पत्नी है उनके विषय में ना मैंने कभी उनका नाम लिया या उनके बारे में कोई टिप्पणी मैंने नहीं की। दूसरी एक बात मैंने कही थी कि दाढ़ी वाला कौन है, वो दाढ़ी वाला है काशिफ खान। फैशन टीवी का इंडिया हेड है, देश भर में फैशन शो कराता है। उस फैशन शो में धड़ल्ले से ड्रग बेची जाती है, इस्तेमाल की जाती है, बड़े पैमाने पे सेक्स रैकेट चलाने का काम करता है। और उस दिन के जो आयोजन थे उसमें एक आयोजन उसकी तरफ से भी, काशिफ खान की तरफ से भी किया गया था। उसने सारे इनविटेशन सोशल मीडिया पे डाले थे और उस दिन वो व्यक्ति क्रूज पर संडे के दिन 6:23 का एक वीडियो जो उन्हीं के साइड से मैंने निकाला है, अपनी माशूका के साथ डांस करता हुआ नजर आ रहा है। मैंने उस दिन सवाल पूछा था, वानखेड़े साहब ये दाढ़ी वाला कौन है, इस दाढ़ी वाले को आपने क्यों नहीं पूछा, इसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। ये दाढ़ी वाला फैशन के नाम पे देश दुनिया में पोर्नोग्राफी का धंधा करता है, ड्रग का धंधा करता है, सेक्स रैकेट चलाता है और समीर वानखेड़े जी के उनसे अच्छे संबंध हैं। महाराष्ट्र की जनता को, महाराष्ट्र की सरकार को बदनाम करने का एक षड्यंत्र वानखेड़े के माध्यम से हो रहा है।